अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है यार। मैं आप सबको सारी अच्छी बातें बताता रहता हूँ, सारी अच्छी जगह घुमाता रहता हूँ, लेकिन कल मेरे साथ एक मसला हुआ, एक बड़ी परेशानी मेरे ऊपर अचानक से आ गई जो मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये वाले मामला भी होते हैं। तो हुआ ऐसा कि मैं आया हूँ मैड्रिड में, स्पेन का कैपिटल है, और कल मेरी यहाँ पर अकोमोडेशन थी, मैं यहाँ पर आ गया। अब रिज़र्वेशन मैंने करवाई थी 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक की, जुम्मे से इतवार की। मैं यहाँ पहुँच गया, नाजिल हो गया। जब मैं पहुँच गया और रिसेप्शन पर गया, उन्होंने कहा ठीक है आपकी रिज़र्वेशन है, बिल्कुल चेक कर लिए। जब चेक इन करने लगी, लड़की ने मुझे कहा कि आपने जो 8 से 10 करवाई है, जुम्मे से संडे तक की आपकी रिज़र्वेशन है, वो आपकी है मार्च की, ठीक है, और आपकी अभी की नहीं है। मैं वहाँ बैठ के बड़ा परेशान हो गया ऐसे। मैंने बोला ये क्या हो गया, मैं सर पकड़ के बैठ गया अपना, और रात का टाइम, ठंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो रही, नया शहर, नए लोग, नई ज़बान, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या करूँ। तो मैं बताने का मकसद ये कि अल्लाह पाक आपको परेशानी देता है तो उससे पहले उसका हल निकाल देता है। तो क्या हुआ था, जब मैं कल आ रहा था ज़ारागोज़ा से मैड्रिड, तो ये भाई देख रहे हैं आप, अनवर भाई, और एक पीछे सरफराज भाई भी आ रहे हैं, कैमरा हमारे भाई जिनके पास कैमरा है, ये लोग मुझे कल मिले ज़ारागोज़ा में। ये सवाद पाकिस्तान से हैं, तो ट्रेन में हमारी मुलाकात हो गई, हाल हवाल हमने करना शुरू कर दिया। तो क्या होता है कि मैं वहाँ पे परेशान होकर इनको मैसेज करता हूँ इंस्टाग्राम पे कि यार इस तरह का मसला हो गया, मेरे पास अकोमोडेशन थी वो मार्च में, अब मैं रात में कहाँ जाऊँगा। तो क्या होता है कि ये लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि आप इसी जगह पर आ जाएं और आपके लिए कमरा अरेंज कर लिया। तो इन्होंने मेरे लिए वो कमरा अरेंज करवा दिया। तो इस तमाम जो किस्से का हासिल उसूल किया था कि परेशानी तो नसीब में लिखी हुई थी कि मुझे परेशान होना था, तकलीफ आनी थी ये वाली, लेकिन अल्लाह पाक ने परेशानी बनाने से पहले उसका हल भी निकाल दिया था, क्योंकि मुझे परेशानी से पहले ही ऐसे लोग मिल गए थे कि उन्होंने परेशानी मेरी हल कर दी। तो ये भी ज़िंदगी का एक पार्ट होता है, सबक ये इसका।